हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यार कि आप रेड डॉट की परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास एनी वन डिवाइस हो, मैं आपको बेस्ट सेंसिटिविटी बनाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम आती है रेड डॉट की सेंसिटिविटी को लेकर, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ रेड डॉट की परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो आपसे मैं अपनी पर्सनल सेंसिटिविटी भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कैमरा, ADS और जायरो तीनों की सेंसिटिविटी बना के दिखाने वाला हूं आपके सामने। तो वीडियो में पूरा बने रहें और एंड तक वीडियो को वॉच करो यार। और जो भी वीडियो पर नया है, लाइक, शेयर एंड एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते यार। तो गाइस, सबसे पहले देखिए आपकी सेंसिटिविटी। ऐसी होनी चाहिए, मतलब कि जो ये आपको दिख रहे हैं टारगेट बोर्ड्स, इनके हेड पर ही आपकी पूरी बुलेट्स कनेक्ट होनी चाहिए इसके अराउंड में ही। अगर ये होता है तो आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे कैमरा की सेंसिटिविटी। कैमरा की सेंसिटिविटी का रोल क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, सबसे पहले आपको सेंसिटिविटी के सेक्शन में आना होगा। सेंसिटिविटी पे आ गए। अब देखिए, इसमें दो सेंसिटिविटी होती है, स्क्रीन और जायरोस्कोप। हम पहले स्क्रीन की क्लियर करेंगे, उसके बाद जायरो पे जाएंगे। तो देखिए, स्क्रीन की जो रेड डॉट की सेंसिटिविटी होती है, ये सेंसिटिविटी होती है जो आप बिना जायरो के थम हिलाते हो। देखिए, राइट लेफ्ट थम से करते हो। देखिए, जैसे एम देख रहे हो आप, एम ट्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनिमी को स्पॉट कर रहे हो, तो जो भी आप थम से मूवमेंट देते हो वो होती है आपकी कैमरा सेंसिटिविटी। इसमें जायरो का रोल नहीं होता है। इसको आप अगर जीरो कर दोगे और फुल जायरो से खेलोगे तो भी आपकी ये सेंसिटिविटी वर्क करने वाली है। तो देखिए, ये सेंसिटिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जल्दी जल्दी आप जितना फास्ट चाहे उतना जल्दी आप एम ट्रांसफ़र कर पाओ। मतलब कि कम नहीं होनी चाहिए, कि इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि आपको जैसे ये एनिमी दिख रहा है, आपको यहाँ टारगेट पर शिफ्ट करना है लेकिन आप मिस कर रहे हो। मतलब कि ये सेंसिटिविटी आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप जायरो नहीं खेलते हो तो इसको थोड़ा ज़्यादा रखो, और अगर आप जायरो भी खेलते हो तो उसको थोड़ा मिड पे रखो। आप 35-40 पर इसको आराम से खेल सकते हो। अगली बात करते हैं ADS सेंसिटिविटी। ADS सेंसिटिविटी क्या होती है गाइस? एम डाउन साइट, मतलब कि जब आप फायर करते हो, जैसे मैं इस टाइम फायर कर रहा हूँ, ये देखिए, तो जो भी मेरी इस टाइम सेंसिटिविटी वर्क कर रही है वो दो सेंसिटिविटी वर्क कर रही है। एक होती है हमारी ADS, एक होती है जायरो की ADS। मतलब कि जो जायरो पे नहीं खेलते हैं, फुल्ली ADS पे डिपेंड करते हैं, उनको ये सेंसिटिविटी बिल्कुल परफेक्ट बनानी होती है, उनका रिकॉइल इसी से कंट्रोल होगा। लेकिन जो बंदा जायरो पे भी खेलता है, फुल जायरो खेलता है, उसको इससे मैटर नहीं करता है, वो इसको एक पे भी रखेगा तो भी उसका काम चल पड़ेगा। तो देखिए, आपकी ये सेंसिटिविटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसको हम बना ही लेते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसको मिड पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कर रहे हो अभी, ये मैंने कर दिया इसको मिड पे सेलेक्ट। अब आपको स्प्रे करके देखना है और कंट्रोल करके देखना है थम से। बहुत फास्ट है, ज़्यादा है सेंसिटिविटी, तो हमें इसको कम करना है। आप ऐसे ही सेंसिटिविटी बना लोगे अपनी, एक रैंडमली सेलेक्ट करते करते। ये देखिए 67, ज़्यादा है। जब आपका स्कोप इस हेड से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आता है ना गाइस, तो मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। और जब आपका स्कोप आप यहाँ पर फायर कर रहे हो, जैसे ये फायर कर रहे हो, और आपका स्कोप ऊपर की तरफ उठता रहता है, तो मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी कम है, उसको इंक्रीज़ करो। तो ये जो फैक्ट होते हैं, इसको आप अगर माइंड में रखोगे, फिर आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती है। तो देखिए, अभी हमारे को ज़्यादा लगाना है सेंसिटिविटी में, तो हमें कम करना है। देखिए 60-40 के अराउंड खेल के देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, मतलब कि ये हमारे, मेरे हिसाब से जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इस टाइम ADS को, वो 40 बेटर है। तो आप अपने हिसाब से, अपने डिवाइस के हिसाब से, क्या पता आपके में जायरो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो, थोड़ा कम हो, तो आप उसके हिसाब से सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो देखिए, अब बात आती है जायरो सेंसिटिविटीज़ की। जायरो सेंसिटिविटी पर खेलने वाले, अब उनके लिए मैं सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ कि आप कैसे सेंसिटिविटी परफेक्ट बना सकते हो। तो देखिए, जायरो में भी हमारे दो चीज़ें होती है,
एक होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, एक होती है एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो आपकी कैमरा सेंसिटिविटी होती है। अब इसको आप जितना भी रखोगे, मतलब कि ये आपका एम शिफ्टिंग है, वही जो मैंने आपको समझाया था। देखिए ये मैं एम शिफ्ट कर रहा हूँ, एनवी पर स्कोप खोल रहा हूँ, बिना फायर किए जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ वो आपकी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी होती है। लेकिन जैसे ही मैंने फायर की, जैसे मैंने ये फायर की, अब मैं अपना स्कोप मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारी जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी कर रही है। तो देखिए ये जायरोस्कोप सेंसिटिविटी है, इसको आप 400 भी रख सकते हो, 300 पे भी खेल सकते हो, 200 पे भी खेल सकते हो, जितना आपको चाहिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको 300 के करीब खेल सकते हो। अगर आप 300 के अराउंड इसको आराम से खेल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा कम है। देखिए मिड सेंस ही है, देखिए आप इजीली टारगेट को चेस कर सकते हो। तो अगला जो हमारा रहता है जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी, ये आपकी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी रहती है, क्योंकि आपका जो रिकॉइल कंट्रोल होता है वो इसी से ही होता है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना क्या होता है गाइस, देखिए आप इसको पहले फुल्ली कर लो, फुल करके देख लो कि क्या होता गया है। देखिए अब आपको स्प्रे करनी है, देखिए गाइस एक बात मेरी हमेशा याद रखना, फुल अगर आप कर लोगे तो भी आपका रिकॉइल कंट्रोल अच्छे से हो जाएगा। पर फैक्ट क्या होता है कि जो आपकी फुल सेंसिटिविटी होती है ना, उस पर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ये फैक्ट है गाइस, अगर आप इसको ट्राई करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको ऐसी सेंसिटिविटी ढूंढनी है जिसमें आपकी हेडशॉट एक्यूरेसी भी तगड़ी हो। तो देखिए फुल में यही होता है सीन गाइस, बाकी तो फुल पे भी आप खेल सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फुल पे भी खेल सकते हो। तो आप उसके बाद आप 350 पे भी खेल सकते हो। देखिए और एक बात का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जब भी आप सेंसिटिविटी बनाते हो तो खड़े होकर बनाया करो। अगर आप बैठ के सेंसिटिविटी बनाओगे तो मतलब बैठना आपको हर टाइम नहीं मिलता है गाइस, आपको चलते चलते भी स्प्रे करनी होती है, रनिंग में भी स्प्रे करनी होती है। तो अगर आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी बनानी है तो बैठ के मत बनाना, खड़े होकर ही बनाना। तो मेरे को लग रहा है 350 आपके लिए बेटर है, आप 350-300 के अराउंड इस सेंसिटिविटी को पैचअप कर सकते हो अपनी डिवाइस के हिसाब से। तो यही था गाइस आपके लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी रेड डॉट की। तो अगर आपको भी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल जाती है जो मैं आपको बताया हूँ उसके हिसाब से अगर आप करते हो, तो आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी ज़रूर मिलने वाली है। तो गाइस अगर आपका कुछ अच्छा होता है मेरी वीडियो देख के, तो आप लाइक शेयर एंड एक कमेंट ज़रूर करना मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।